So fantastic, guys. So welcome to Reader Books Club again, and I am very, very excited. As always, I am going to talk about. आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं दे फोकस मोर अराउंड द मनी पार्ट ऑफ इट. ओके, हर कोई बहुत सारा पैसा बनाना चाहता है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक मनी, बट एक यही एक ऐसा फैक्टर है जहां पर हम बहुत ज्यादा लैक करते हैं और बहुत ज्यादा हम वी आर अनेबल टू मेक लॉट ऑफ मनी एंड वी स्ट्रगल इन आर कॉर्पोरेट लाइफ. हम अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट में स्ट्रगल करते हैं, हम अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होती है. और इसका कहीं ना कहीं कारण होता है कि जो हमारा जो मनी ब्लू प्रिंट होता है, ये मनी ब्लू प्रिंट में कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. हम में से बहुत लोग मनी ब्लू प्रिंट जानते हैं एंड हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं, मनी ब्लू प्रिंटिंग के बारे में. तो आज हम मनी ब्लू प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे. अगर आप में से कोई भी इंसान अगर ये सोचता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बट ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ या मेरे हाथ में पैसा नहीं रुकता है, तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ. मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ और मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आपसे जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं बेसिकली. और तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, तो आई होप आप फोकस होके पूरा इसको एंड तक देखेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली गड़बड़ कहाँ है, एक्चुअली कहाँ कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है. ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में इससे बहुत हेल्प हुई है कि यू नो, जब मैंने पहली बार ये सुना था कि मनी ब्लू प्रिंट क्या होता है, मैंने ये सोचा था कि मनी ब्लू प्रिंट जैसा कुछ होता भी है क्या, तो मुझे वो समझ में नहीं आया था. लेकिन जब मैंने मैं डिटेल्स के अंदर गया तो मुझे बहुत सारे मैंने चीज़ें वहां पर समझनी शुरू की और मेरे को समझ में आया कि मनी ब्लूप्रिंट ही है जो डिसाइड करता है कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन और कंडीशन क्या होगी और कभी क्या हम इसको जेन्युइनली कभी हम इसको रियली इंप्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो यू नो, चीज़ जो इसमें स्टार्ट होती है वो सबसे पहले ये है कि हमें ये समझना कि मनी ब्लूप्रिंट होता है, दैट्स अ फैक्ट. ओके, दूसरी चीज क्या है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भी हमारी अर्निंग है या जो भी हमने अब तक पैसा कमाया है या जो भी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन आज के टाइम में है, ये कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की वजह से ही है, मेरे एक्शंस की वजह से ही है, मेरी सोच की वजह से ही है. एक्चुअली क्या होता है, हम जब हम बड़े होते हैं तो वहां पर ना हमें पैसे के बारे में ना बहुत सारी चीजें बताई गई होती हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए होते हैं कि पैसा क्या होता है, पैसा कितनी मुश्किल से आता है, पेड़ पर पैसे नहीं लगते, यू नो, अगर मेहनत करोगे तो ही पैसे आ सकते हैं, अगर दिन रात लाइफ में आपको दिन रात आपको लाइफ में क्या कहते हैं, अगर दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, सालों साल मेहनत करोगे तो ही पैसे आते हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पैर फैलाओ. तो कहीं ना कहीं जो ये हमारे माइंड में जो शुरू से रीबिल्डिंग की गई है, हमारे माइंड में जो शुरू से डाला गया है मनी को लेके, ये इसने ना हमारे माइंड को बहुत बहुत टाइटली प्रोग्राम कर दिया है. तो हमारा मेंटल जो ये थॉट प्रोसेस है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रामड है, माइंड बिल्कुल प्रोग्राम हो चुका है और माइंड को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि पैसा कमाना ना आसान नहीं होता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल बात है और ये हर कोई नहीं कर सकता. और पैसों के साथ साथ बहुत सारे मिथ भी जुड़े हुए हैं. जो लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो उनका कल्चर ठीक नहीं होता, वो लोग बिगड़े हुए होते हैं, गलत काम करने से ही पैसे आते हैं. तो आई एम श्योर आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे कि कहीं ना कहीं ये सब हमने बहुत सुना है. और आज के टाइम में भी अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि यार चलो ठीक है 10 लाख रुपए कमाना है, तो हम में से बहुत सारे लोग तो हम यही बोलने वाले हैं कि 10 लाख रुपए माई गॉड ये तो बहुत मुश्किल काम है. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम श्योर आप अभी कुछ लोग पूछ भी रहे हैं क्वेश्चन में कि सीक्रेट मैजिक, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर हमारा वो कहते हैं ना कि अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को फ्रूट चेंज करना है, अगर मुझे फ्रूट बनाना है, तो मुझे अगर फ्रूट अलग चाहिए तो मुझे सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रूट चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले उसकी रूट्स चेंज करनी पड़ेंगी. तो आज हम बात करेंगे वो बहुत सारी रूट्स को चेंज करने के बारे में जो हो सकता है बहुत आसान ना हो. और ये कहते हैं कि ये रातों रात नहीं होता, बट वो एक्सेप्ट करो, ये एक्सेप्ट जरूर करें कि यार ये चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी थॉट्स हमें हेल्प नहीं कर रही हैं और ना ही वो करेंगी. और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब
जो भी जो बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी बात मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ऐसा नहीं कि ये मैंने लिखा है या सिर्फ मैं ही जानता हूँ इसके बारे में। ये बहुत अमीर लोग ना यही बात करते हैं और सेम बात करते हैं। हर कोई लोग ये सोचते हैं कि आपका रिलेशनशिप जैसा मनी के साथ होगा, जैसा मेरा रिलेशनशिप मनी के साथ होगा, वैसा ही मनी का रिलेशनशिप मेरे साथ होगा। मैं जितना रिस्पेक्ट मनी को करूंगा, जितना इज्जत से, जितना रिस्पेक्ट से मनी के बारे में सोचूंगा, उतना ही रिस्पेक्ट से और इज्जत से मनी मेरे पास आएगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी इक्वेशन है जो कि हम लोगों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार ये सब इतना आसान तो नहीं हो सकता, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, पैसे तो कमा नहीं रहा हूँ, ये कहना बहुत आसान है बट समझना इसको शायद मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि ये चेंज करना है। और जब हम वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं ना कि कि ये सब चीज़ें चेंज करनी है, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने सीक्रेट में सुना होगा कि जो हमारी थॉट्स होती हैं, जब हम कुछ सोचते हैं, उन सभी थॉट से ना एक फीलिंग जनरेट होती है। जब वो फीलिंग जनरेट होती है, उसके बाद उस फीलिंग से रिलेटेड हम लोग लेते हैं एक्शंस। वो एक्शंस क्या करते हैं, वो एक्शंस उस उसको कन्वर्ट करते हैं उसको रिजल्ट में। तो ये पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस में फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो पहला पार्ट है जैसे थॉट, थिंकिंग, हम क्या सोच रहे हैं, अगर वहां पर चैलेंज है, अगर मैं वहां पर चैलेंज फेस कर रहा हूं और वहां पर समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है, कि मेरे को थॉट में क्या चेंज करना है और मेरी थॉट में कुछ गलत है, मेरी थॉट में ये है कि पैसा कैसे कमाएं, पैसा तो मेरे पास नहीं है, पैसा तो मेरे पास टिकता नहीं है, कॉन्सेप्चुअल में, कॉन्सेप्ट वाइज हमारे साथ चैलेंज है, तो ये सारी चीजें ना वहां पर गड़बड़ जाएंगी और उसी से रिलेटेड फीलिंग जनरेट होगी। और जिस तरह की फीलिंग होगी उसी तरह से एक्शन जनरेट होगा, और जिस तरह से एक्शन जनरेट होगा उसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो हमें ये समझना है कि सबसे पहला पार्ट है थॉट, हमें थॉट को ही चेंज करना है। सबसे पहले हमें थॉट को ही चेंज करना पड़ेगा और वहां से उस सारे कॉन्सेप्ट को धीरे 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 चेंज करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस फैक्ट कि यार चेंज करना है उस थॉट को, और वही हमें आगे लेकर जाएगा। अगर मैं अपनी लाइफ में एक रिच पर्सन, एक अमीर इंसान बनना चाहता हूं, या मैं उतना पैसा पाना चाहता हूं जो मेरी लाइफ के लिए इनफ है, काफी है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट आज से ही समझना पड़ेगा कि यार जो अमीर लोग होते हैं उनमें डिफरेंट क्या होता है। अमीर लोगों का सिर्फ सोचने का तरीका अलग है, अमीर लोगों का सिर्फ रिलेशनशिप जो है उसके पैसे के साथ सिर्फ वही अलग है, और कुछ भी अलग नहीं है। हमें यही रिलेशनशिप को बेटर करना है, हमें इसी रिलेशनशिप को ठीक करना है और इस पर बहुत सारा काम करना होगा। तो आज हम ये डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे कि रिलेशनशिप जो आपका मनी के साथ है, उसको कैसे बिल्ड किया जाए। हमारे जो पुराने हर्डल हैं, जो हमारे पुराने माइंडसेट्स हैं, उन माइंडसेट्स को, उन नोशंस को, उन थॉट प्रोसेस को, जो सालों साल, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में या 50 साल में जो माइंडसेट मैंने बिल्ड किया है, उस माइंडसेट को मुझे ब्रेक करना होगा। अगर मैंने वो माइंडसेट को ब्रेक नहीं किया, अगर वो उस थॉट प्रोसेस, उस सोचने के तरीके को मैंने ब्रेक नहीं किया, तो डिफिकल्ट होगा। तो हम वी विल स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या, कि क्या मुझे चेंज करने की जरूरत है ताकि मेरा जो रिलेशनशिप है मनी के साथ बेहतर हो, मेरा जो मनी ब्लूप्रिंट है वो बेहतर हो, और मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस में पैसे को अट्रैक्ट कर पाऊं। और अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया और मैं इसको डिटेल में इसके बारे में हमने बहुत चीजों को समझ लिया, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो पहला चीज ये समझते हैं कि ये माइंडसेट आता कहां से है। तो ये मेजर हमारा जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट हमारा जनरेट होता है हमारी फैमिली से। हम कहीं ना कहीं हमारी फैमिली ने हमें बचपन से ऐसे ही पाला होता है और उनसे जनरेट होता है, और जो हमें वहाँ पर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फीड की जाती है पैसे के बारे में, उससे आता है। फिर हमारा जो माइंडसेट क्रिएट होता है जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, तो हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा जो सर्कल होता है, सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल या सोसाइटी, वहाँ से जनरेट होता है हमारा माइंडसेट। फिर हमारा हमारा माइंडसेट जनरेट होता है बहुत ज़्यादा जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां पर भी हम ये देखते हैं कि यार इतने स्कैम्स हो गए, ये आदमी इतना अमीर था, इसने स्कैम किया, इसने ये पैसे ले, लोगों के पैसे लेकर भाग गया। तो बहुत सारी चीजें होती है ना, वो ये सारा का, ये सब क्या कर रहा है, ये सारा का सारा हमारा व्हाट ऑल दिस इज बिल्डिंग इज, ये हमारा ना माइंडसेट, इससे ना हमारा माइंडसेट बिल्ड हो रहा है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है। तो ये सबसे जो स्ट्रांग जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जो जनरेट होती है,
ये जनरेट होती है सबसे पहले वर्बल प्रोग्रामिंग होती है। देर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग जो हमारे साथ की जाती है। पहला होता है वर्बल प्रोग्रामिंग। ये वर्बल प्रोग्रामिंग मतलब हमारे हमें कैसे क्या इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में फीड की जा रही है। जैसे जैसे आपने हमारी फैमिली में बोला जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, पैसे को ध्यान से खर्च करो, पैसे बहुत मेहनत करोगे, जिंदगी भर की कमाई होती है लोगों की, यू नो पैसे कमाना आसान बात नहीं है, अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो रिक्शा चलाओगे कभी पैसे नहीं कमा पाओगे, पैसे यू नो जो बुरे लोग होते हैं वही पैसे कमा सकते हैं, सही तरीके से इज्जत से पैसा कमाना है तो इतना आसान नहीं होता। ये कहीं ना कहीं वर्बल प्रोग्रामिंग जो हमें बचपन से दी गई है ये प्रोग्रामिंग हमें मिटानी पड़ेगी। दूसरा होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडलिंग में हमारे हमारा जो जो पूरा कॉन्सेप्ट है मनी के बारे में, मतलब हम जब हमारे जब हम बचपन से देखते आ रहे हैं पैसे, हम पैसे को कैसे देख रहे हैं, पहला हुआ प्रोग्रामिंग हमें हमें कैसे प्रोग्राम किया जा रहा है, दूसरा हुआ है कि हमें हम कैसे उस मनी को कैसे उस मनी के बारे में हम देख रहे हैं, मतलब मनी को कैसे फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे थे तो घर में पैसा था या नहीं था, आपका सिचुएशन फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत गरीब था, बहुत मुश्किल से घर में पैसे आते थे या नॉर्मल पैसे आ जाते थे, आपके घर में कहीं पैसों को लेकर तंगी तो नहीं थी, क्या आपके घर के अंदर पैसों के लेकर झगड़े तो नहीं होते थे। तो इस इन सब चीज़ों से भी मॉडलिंग हमारे माइंड में होती है, बार बार हमारे माइंड में फीड होता है कि नहीं भाई डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, समझना आसान नहीं है, ये भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा घर करता है, बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा ना ये एक मेन कारण बनता है किसी भी माइंड सेट को पूरा बिल्ड करने के लिए। फिर हमारा आता है स्पेशल इंसिडेंट। स्पेशल इंसिडेंट मतलब यू नो आपने कभी सुना होगा कि दो भाइयों ने पैसों के कारण झगड़ा हो गया, यू नो आपने सुना होगा कि पैसों के कारण बंटवारा हो गया, आपने सुना होगा यू नो पैसों के कारण दो रिलेशनशिप खराब हो गए, डिवोर्स हो गए, यू नो बहुत झगड़े हुए, कोर्ट केस हो रहे हैं। ये सारे जो स्पेशल इंसिडेंट होते हैं ना जो हमारे आसपास होते हैं ये सब भी हम देखते हैं, ये भी हमारे माइंड को बहुत हद तक प्रोग्राम करता है। तो हमें ये सब प्रोग्राम, अब आप समझ रहे हैं कि कितना वो कहते हैं ना कि कितना स्ट्रांगली हमारे माइंड को प्रोग्राम किया जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली यू नो माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि यू नो ये क्या क्या जा रहा है, यू नो बहुत मीत बात जो सही लिखा है कॉमन प्रॉब्लम है, माइंड सेट का ही गेम है सारा का सारा, ये सब एक्चुअली माइंड सेट का ही गेम है। हमारे हमारे हमें जो फीड किया जा रहा है हम उसी को खा रहे हैं और उसी को उसी थॉट प्रोसेस के साथ पूरी जिंदगी उसको लेकर चल रहे हैं। और यही कारण है बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी इनकम होने के बावजूद भी, अच्छी खासी इनकम है लेकिन ऐसा क्यों होता है, जैसे पंडित जी बोलते हैं ना, पंडित बोलते हैं कि यार आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता होगा, ये पैसा इट इज नॉट अ भविष्यवाणी और इट इज नॉट अ ज्योतिषी यू नो एस्ट्रोलॉजी, इट इज अबाउट ये मेन है कि यार ये दिस इज हाउ वी हैव बीन प्रोग्राम्ड, इसी तरीके से हम प्रोग्राम किए जाते हैं और वो प्रोग्रामिंग इतनी इतनी पावरफुल हो चुकी है ना, हमें लगता है कि नहीं ऐसे ही होता है। जैसे आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ अपनी अपना घर खरीदना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है, हमेशा माइंड में क्यों आता है कि यार ठीक है यार काम करते हैं लोन ले लेते हैं, क्योंकि ना वो बनाया गया है कि आपके पास इतना पैसा कभी होगा ही नहीं कि आप 5 लाख या 10 लाख रुपए देके यार आप गाड़ी खरीद सकते हो। हमेशा प्रोग्राम किया गया बचपन से ही कि यार चलो ठीक है लोन पर ले लेते हैं हर चीज, हमारा माइंड क्या गया है लोन ले लेते हैं लोन लेते हैं, क्यों क्यों पता है क्यों जाता है, बैंक वाले इतने प्रमोट करते हैं कि लोन लेते हैं लोन लेते हैं लोन लेते हैं, उसके साथ साथ कौन प्रमोट करता है, उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है यू नो हमारी फैमिली के साथ कि यार इतना पैसे का इतना क्रंच है लोन ले लो बैंक से पैसा ले लो। तो कहीं ना कहीं ये सारा प्रोग्रामिंग जो तंगी वाला जो प्रोग्रामिंग है ना वो हमेशा से ही आता जा रहा है और इसलिए हमें लगता है कि नहीं भाई लाइफ में कुछ भी लाइफ में पैसा होना ना बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले इसको करेक्ट करना चाहिए और अगर हम इस पे यू नो इसको करेक्ट करने के लिए फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो अब हम सेकंड पार्ट में हम अब ये समझेंगे कि ऐसा क्या है जो वो ये थॉट प्रोसेस हमें समझ में, पहली पार्ट में हमें ये समझ में हम श्योर आ गया होगा कि यह पैसा है क्या, मतलब पैसे का पैसे के बारे में हमारा माइंडसेट क्या है, पैसे के बारे में हम क्या सोचते हैं, पैसे के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें क्या फीड की गई है। दूसरा चीज हमने जो ये समझा है कि इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, अगर ये बैरियर्स अगर इन सब सभी बैरियर्स को हम लोगों ने यू नो नहीं चेंज किया, इन बैरियर्स को हमने नहीं यही नहीं थोड़ा तो कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत दिक्कत आएगी और हम शायद ये दिक्कत आज भी महसूस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। और जो बहुत रिच लोग हैं वो तो आज भी यू नो उन्हें कोई चैलेंज नहीं है, चाहे कितना भी चैलेंज आए, कोई लॉकडाउन आ जाए, कोई कोविड आ जाए, उनको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी क्योंकि उनका माइंड है ना वो हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि क्या अब इसको ब्रेक कैसे करना है। पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें यह समझना है कि यू नो जो जो रिच लोग होते हैं ना, जो रिच लोग हैं, रिच लोग
ये सोचते हैं कि उनका जो थॉट प्रोसेस जो बहुत स्ट्रांग है और जो बहुत जरूरी है वो ये है कि वो लोग ये सोचते हैं कि जो मेरी जिंदगी है ना उसको क्रिएट करने वाला मैं खुद हूं, और जो जो पुअर लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी कोई और मेरे लिए क्रिएट करके देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो हमारी जो यू नो जो थॉट प्रोसेस है कि मैं अपनी जिंदगी का मैं करता धरता मैं खुद हूं, कोई और मेरी जिंदगी का करता धरता नहीं है, ये एक रिच लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। उन्हें ये लगता है कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मेरी जिंदगी में अगर कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, दोनों केसेस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। किसी की यू नो ऐसा यू नो अगर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए मेरी फैमिली जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जिम्मेदार नहीं है, मेरा जिस तरीके से मेरे को ग्रोथ दी गई, मैं बड़ा हुआ, ये सारा का सारा इन सब की जिम्मेदारी लाइफ में मेरी है। रिच लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन गरीब लोग जो पुअर लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ की जिम्मेदारी, काश मुझे अपनी फैमिली से कुछ मिला होता तो मैं बहुत अमीर होता, मेरी फैमिली मेरे फादर ने मेरे पेरेंट्स ने कुछ अच्छा किया होता, मेरे लिए पैसे छोड़ के गए होते तो मैं अमीर होता, मेरी सिचुएशन अच्छी होती, मेरा स्कूल अच्छा होता, मेरा एजुकेशन अच्छा होता तो मैं अमीर होता। बट कहीं ना कहीं हम ये चीज नहीं नोट करते हैं क्या कि यू नो लाइफ में बहुत सारे जो लोग हैं इन सब प्रॉब्लम के बाद भी बहुत सक्सेसफुल हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन सब लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट था जिम्मेदारी ली इस चीज की कि यार मेरी जिंदगी में जो पैसा है, मेरी जिंदगी में जो सक्सेस है, ये मेरी खुद की है, किसी और की नहीं है, तो हमें जिम्मेदारी लेनी है। दूसरी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिच लोगों का जो कमिटमेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है कंपेरेटिवली पुअर पीपल। मतलब अभी रिच लोगों का मैं आपको बताता हूं इसमें डिफरेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। हम जो लोग पीपल फ्रॉम अ जॉब बैकग्राउंड, हम क्या सोचते हैं, मैं भी जॉब यू नो अगेन आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ जॉब बैकग्राउंड, मैंने भी बहुत साल काम किया, कहीं ना कहीं वहां थॉट क्या होता है कि यार मैंने अपने 8 घंटे दे दिए, मैंने अपने 10 घंटे दे दिए, मुझे अब सैलरी मिलनी चाहिए। हम अपने टाइम पर पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं ना वो अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहते हैं। सो हमें ये समझना है कि जो रिच लोग हैं वो 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं हर दिन। आप चेक कीजिए किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी आप चेक कीजिए, आपको लगेगा वो 8 घंटे काम करता है। आपको ये लगता है कि वो इंसान जो है वो बहुत बैलेंस लाइफ जी रहा है, वो बैलेंस लाइफ नहीं जी रहा है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी या समझी थी कि लाइफ में या तो लाइफ बैलेंस हो सकती है या बैंक बैलेंस हो सकता है, या तो मैं जिंदगी में मैं तो या तो लाइफ बैलेंस हो सकती है या मैं लाइफ में बैंक बैलेंस हो सकता है। तो अगर मेरी लाइफ में अगर बैंक बैलेंस हो सकता है तो भैया मेरी लाइफ बैलेंस होना थोड़ा सा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये समझना है कि नहीं यार, ये मुझे ये समझना है कि भाई मेरे को अपना थॉट किस डायरेक्शन में चेंज करना है। मैं 8 से 10 घंटे काम करके मैं कभी भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा, मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हमें समझना है। जैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं रिच लोग जो होते हैं ना, रिच लोग अपने लिए लाइफ में ना दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। थैंक यू गाइज, वी विल टॉक अबाउट इट, वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस गाइज, ओके। सो जो रिच लोग होते हैं दे टेक ऑल द अपॉर्चुनिटीज, वो सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं, दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन जहां पर भी पुअर लोगों की बात आती है वो ज्यादा ध्यान देते हैं मुश्किलों पर, वो अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते, वो हर अपॉर्चुनिटी में मुश्किल ढूंढते हैं, वो हर अपॉर्चुनिटी में ये देखते हैं कि यार इसमें अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये सही से नहीं चला तो क्या होगा, मेरे पैसे तो नहीं खराब, मतलब वो एक थॉट है, दिस इज ऑल अबाउट अ थॉट, ये पूरा का पूरा इट इज ऑल अबाउट अ थॉट, कि हमारा थॉट क्या है, हम उसको जब when we are trying to गेट दिस इंफॉर्मेशन, जब हमें वो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को मैं प्रोसेस किस तरीके से कर रहा हूं, अगर मैं उसको सही से प्रोसेस नहीं करूंगा, उस अपॉर्चुनिटी को मैं बदलूंगा नहीं एक 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 रिसोर्स में मैं नहीं बदलूंगा, तो मैं उस चीज को आगे कैसे लेकर जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये अगर हमें ये समझ में आएगा
कि एक हर अपॉर्चुनिटी मेरे को, इनफैक्ट आई थिंक हम सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में, हम सब लोगों के लाइफ में एक ऐसा एक मौका मिलता है जब हम लाइफ में बड़े बहुत अच्छा कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं कुछ डर की वजह से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। क्या रिच लोग ऐसा करते होंगे? ये नहीं कह रहा हूं, एक जो रिच इंसान है या जो बहुत सक्सेसफुल इंसान है वो लाइफ में हर अपॉर्चुनिटी को ले रहा होगा, बिल्कुल नहीं ले रहा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी अपॉर्चुनिटी को वो लेते हैं उसमें अपना बेस्ट देते हैं, और वो ये समझते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी के साथ मेरे को रिस्क आएगा, देयर विल बी अ चांस विच आई नीड टू टेक, जो मेरे को चांस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चांस ही नहीं लूंगा तो मैं लाइफ में, एक चीज तो कंफर्म्ड है ना कि मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। देखो फेल होने का क्या है, अगर मैं फेल होता हूं तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, करेक्ट? अगर मैं होता हूं तो, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं तो फेल होने के चांसेस कम है, बट फेल होना नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं चांस ही नहीं ले रहा हूं, अगर मैं किसी चीज का चांस ही नहीं लेता हूं, तो क्या मैं सक्सेसफुल कभी हो सकता हूं? मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूं। ये एक मेजर ट्रेट होता है सक्सेसफुल लोगों का। अगेन वन मोर थिंग विच पीपल थिंक जो लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग जो जानी चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है हमें ये समझना पड़ेगा कि यार अगर जिस तरह का मेरा एसोसिएशन होगा, मैं जिस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता हूं, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सक्सेस फैक्टर होता है किसी भी अमीर आदमी की जिंदगी में। अब हमें ये चेक करना है कि जो मेरा एसोसिएशन है, मेरा जो उठना बैठना है, क्या वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों में है या मुझसे कम सक्सेसफुल लोगों में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, आपने सुना होगा, यू नो, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप अपने सर्कल के सबसे ज्यादा समझदार इंसान हो तो आपका एसोसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको उन लोगों के आसपास रहना पड़ेगा जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, इंस्पिरेशनल, ज्यादा पैसे वाले, सही सोच रखने वाले वो लोग हैं। तो आपको उनके साथ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, आपको ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर उन लोगों के तरीकों को आप एडॉप्ट कर सकें, बात कर सकें, डिस्कशन कर सकें और एसोसिएशन को इम्प्रूव कर सकें। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसी संगत होती है वैसे ही हम बनते हैं। बचपन से हमें बोला जा रहा है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इनके साथ मत रहो, ये बच्चे गाली देते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत लोग हैं। तो हमें शुरू से ये संगत के बारे में हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। संगत का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, संगत का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि हम लोग अगर अपनी संगत करेक्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि यार नहीं यार, इससे तो ज्यादा थोड़ा पैसा मैं कमाता ही हूं, मैं इसके ऊपर दबाव भी बना सकता हूं। जो पुअर लोग हैं वो यही सोचते हैं, इसके ऊपर मैं दबाव भी बना सकता हूं, मैं इनसे ऊपर भी हूं तो मैं ठीक हूं, तो बढ़िया है, मैं तो राजा हूं। लेकिन अगर आप अपने ग्रुप के राजा हो तो आपको प्रजा चेंज करनी पड़ेगी, आपको चेंज करना पड़ेंगे अपने आसपास के लोग। तो ये बहुत ध्यान रखना है। अनदर थिंग जो इससे कनेक्टेड है वो है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो दूसरे रिच लोगों को ना अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी अच्छाइयों को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, जब हम किसी ऐसी एसोसिएशन में जाते हैं जहां पर जब हम लोगों को देखते हैं यार ये हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो यार पता नहीं कैसे बना होगा, और उसके बारे में गलत सोचते हैं या जेलस होते हैं, तो वो कभी भी हमें सही सोच नहीं दे सकता, क्योंकि ये वही थॉट है कि अच्छा इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ तो गलत काम ये करता होगा, अगर ये बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा है कुछ तो गलत काम करता होगा। ये बिल्कुल थॉट को हमें माइंड से बिल्कुल निकालना पड़ेगा, वॉश आउट करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा वॉश आउट होगा, तब जाकर वो कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा आसान होगा कि हमें ये क्लियर करना है कि जो मेरा एसोसिएशन है क्या वो पॉजिटिव एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है। क्या मैं लोगों से, जब लोगों को सक्सेसफुल अपने सामने होते हुए देखता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं, या मैं सोचता हूं यार ये तो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, यार पता नहीं क्या काम कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीप अंडरस्टैंड करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि यार क्या है जो वो कर रहे हैं जो शायद आप नहीं कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि उन डिस्कशन के बाद वो दे कम आउट विद सॉल्यूशंस। बिकॉज क्या होता है, जब हम लोग जो रिच लोग है ना वो कंसिस्टेंटली अपनी गलतियों पर काम कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली अपनी गलतियों पर हमेशा इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि यार मैं जो कर रहा हूं वो काम कर रहा है,
या वो काम नहीं कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली उसमें लगे हुए हैं और वो कंसिस्टेंटली उसको इंप्रूव कर रहे हैं और वहां कंसिस्टेंट चेक लगा हुआ है। लेकिन जो 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 फेलियर लोग होते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनका थॉट प्रोसेस कुछ और ही चलता है कि यार पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं वो चलता ही नहीं है, मेरी किस्मत में लोग पंडितों को यू नो एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाते हैं यू नो कि मैम क्या मेरे हाथ में बिजनेस है, और उन वो भी उन्हें एडवाइस करते हैं यू नो कि आपके हाथ में तो बिजनेस ही नहीं है, आप जो भी बिजनेस करोगे आप फेल हो जाओगे। ये सब ना हमने ना अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जिस इंसान का डिसीजन है कि मेरे को लाइफ में बिजनेस करना है या मुझे अपनी जिंदगी में जॉब करनी है, आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि मेरे को ये करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, ठीक है, आप वो इंसान कभी भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाएगा जो उसको जज करेंगे और जो उसको बोलेंगे, या जहां चांसेस हैं कि ये मुझे बोलेंगे यार ये काम मत करो तुम, वो कभी नहीं जाएगा, आई गारंटी यू दैट। अगर आपका डिसीजन क्लियर है, जो रिच लोग होते हैं उनके डिसीजन क्लियर होते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होते, उनके माइंड में बहुत क्लैरिटी होती है कि उनको कहां जाना है। और बहुत बार क्या होता है, जब क्लैरिटी नहीं होती ना, वो चीजें जब करने की कोशिश करते हैं तो उनको धीरे 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 क्लैरिटी होने लगती है। क्लैरिटी पहले दिन से नहीं आती, क्लैरिटी तब आती है जब हम रिसीव करने के लिए ओपन है, जब मैं तैयार हूं ना, मतलब हम क्या होता है, मैं रिसीव करने के लिए तैयार अगर नहीं हूं तो मैं कैसे मैं मूव कर सकता हूं, मैं मूव नहीं कर सकता उसको, मैं लाइफ में ही मूव नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या समझूंगा, मैं मेरे को यह समझना जरूरी है कि मेरे को सीख करना पड़ेगा, मेरे को सीखना पड़ेगा। जो रिच लोग होते हैं वो कंसिस्टेंटली अपनी नॉलेज पर कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम देयर थॉट प्रोसेस, कि वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग पुअर होते हैं या मेंटालिटी वाइज पुअर होते हैं, मैं पुअर ध्यान रहे पुअर के बारे में मैं ये नहीं बोल रहा हूं जिसके पास पैसे नहीं है, पुअर इज फाइनेंशियल पुअर ऑफ कोर्स, बट विद मेंटल, जो मेंटल ब्लॉक बहुत ज्यादा है आपका, यहां पर इतना ज्यादा ब्लॉक है कि वो रिच यहां से वीक है, यहां से पुअर है, तो वो समझना जरूरी है। तो जो यू नो तो जो मेंटली वीक या आप कहें पुअर लोग होते हैं, वो सीखने पर कभी ध्यान नहीं देते, उनका थॉट क्या होता है, अब मैंने इतना कुछ सीख लिया है, अब मैं नया नहीं सीख सकता, मैं और जिंदगी में क्या पा सकता हूं। हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो एक आज के टाइम में आप इंडिया में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, वर्ल्ड के स्टैंडर्ड आप चेक कीजिए, कहीं भी चेक कीजिए, फ्रॉम अ किड 12-15 साल के जो लोग हैं, दे आर मिलियनेयर्स इन इंडिया, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। एंड उसके साथ साथ हमने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लोग, 80 साल की उम्र में बिजनेस, यानी कि ये इट हैज नॉट टू डू विद एज, एज से रिलेटेड ये है ही नहीं, ये रिलेटेड है कि हमारी चाहत क्या है, हम लाइफ में कितना सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर हम चेंज करने को तैयार है, वो थॉट चेंज करने को तैयार है, तो शायद हम अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से हम इसको बना पाएंगे, और वो ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही सब कुछ है यू नो, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि यू नो हम ये सब नहीं समझ सकते कि यू नो कि यू नो मैं इतने घंटे काम कर रहा हूं मेरे को पैसा आ जाएगा। जैसे आप देखिए यू नो जो रिच लोग होते हैं, इनका थॉट आता है ये सब हमेशा रिजल्ट्स के लिए काम करते हैं, जैसे मैंने बताया 18-20 घंटे काम करते हैं, उनको पता है मेरे को जो आउटपुट मिलने वाला है ना, वो सिर्फ मेरा एफर्ट काउंट नहीं होगा, मेरा जो आउटपुट होगा वो काउंट होगा मेरे रिजल्ट से। तभी ऐसा क्यों है आपको लगता है कि जो सेल्स प्रोफाइल्स होती हैं, कमीशन बेस्ड इनकम्स होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा पैसा क्यों होता है, क्योंकि ये सब के सब रिजल्ट बेस्ड होती हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस नॉर्मल इंसान से आप पूछें यू नो आप एक नॉर्मल इंसान से बात करो यू नो ओके सो नॉर्मल इंसान से अगर आप बात करो तो वो इंसान यही बोलेगा आपको कि कहीं ना कहीं यू नो कमीशन इनकम में मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं मेरे को आप एक फिक्स्ड इनकम दे दो, मेरे को आप एक कंसिस्टेंट इनकम दे दो, मेरे को आप एक सैलरी दे दो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक फिक्स्ड इनकम में नहीं जाऊंगा। जब ये अंडरस्टैंडिंग किसी को मिलती है, और मैं आपको बताता हूं, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे इन फ्यूचर, आप अपने आप से सवाल पूछना, जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप कमीशन बेस्ड काम करने को तैयार हो, यानी कि आप जो काम करोगे आपको उसका पैसा मिलेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सच बताऊं, अगर मैं हूं अगर ये थॉट मुझे आज अगर मेरे से सवाल पूछे
अगर कोई, तो मैं सच बताऊं मैं ये समझूंगा कि शायद ये इंसान मेरी सही वर्थ मेरे को देने के लिए तैयार है, यानी कि इस सोर्स से मुझे उतना पैसा शायद आज मिलने को तैयार है जो मैं सच में डिजर्व करता हूं। वरना हम सब लोग सैलरी बेस्ड इनकम, थोड़ा सा पैसा, कोई मुझे फिक्स्ड अमाउंट दे दे, फिक्स सिक्योरिटी है। आप मुझे बताइए, आप सब लोग सोचिए, मतलब हैव अ डीप थिंकिंग अबाउट दिस, कि जब हम ये सोचते हैं कि जॉब है और जॉब में जॉब सिक्योरिटी है, आर यू श्योर कि आपकी जो जॉब है उसमें सिक्योरिटी है? शायद नहीं यार। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या फीड किया है बचपन से, हमें फीड क्या किया गया है, हमें फीड ये किया गया है कि जॉब ना सिक्योर होती है, आपको कम से कम पैसा मिल रहा होता है, आपको बताया जाता है इतना घंटे कम से कम आपको नौकरी से तो निकाला नहीं जाएगा। वो थॉट इसलिए होता है, मैं आपको बताता हूं कि वो थॉट इसलिए होता है क्योंकि ना पहले के जमाने में गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत ज्यादा होती थी, गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होती थी, जो भी कोई जॉब पे रहता था उसको गवर्नमेंट सर्वेंट ही होता था वो, तो वहां जॉब की सिक्योरिटी थी। लेकिन आप में से आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, आई एम श्योर। अगर आप जॉब में तो थम्सअप कीजिए इन चैट, अगर आप जॉब में, इफ यू आर इन अ जॉब, ठीक है, अगर आप जॉब में, क्या आपकी जॉब सिक्योर है इस दौरान, कोविड जब चल रहा है, चैलेंज चल रहा है, I'm sure I can tell you guys, मैं आपको बता सकता हूं कि ये इस बात की बात नहीं है, हर दस साल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम सब लोगों को ना फाइनेंशियल क्राइसिस आता है पूरी कंट्री पर आता है। आज के टाइम में जॉब्स हाईली इनसिक्योर्ड हो गई है, पैसा कमाना जॉब में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि अगले दिन बोलते हैं चलो ठीक है डन है, चलो यू आर आउट, आप बाहर, कल से मत आना। लेकिन जॉब सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं है ना। लेकिन अगर आपको कमीशन बेस्ड इनकम मिलती तो क्या आपकी जॉब इनसिक्योर होती, क्या आपका काम इनसिक्योर होता? कभी भी इनसिक्योर नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम डीप में अंडरस्टैंड करें तो हमें वो बहुत जरूरी समझ में आएगा। क्योंकि ना अब एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से व्हाटएवर मनी यू आर अर्निंग, एक जो रिच लोगों की जो हैबिट मैं बता रहा हूं आपको, वापस आई विल टॉक अबाउट द सेम, जब एक रिच थॉट आ रही है, जो रिच लोग होते हैं ना, ऑफकोर्स दे वर्क ऑन इनकम, उस इनकम के साथ साथ आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग हैं, जो इनकम को छोड़ के अपना लाइफ में कुछ सेटअप करना चाहते हो, या आपको रिलेशन होगा कि मेरे को अपना कुछ सेटअप करना है, मेरे को पैसा कमाना है। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि जॉब खराब है या बिजनेस बहुत अच्छा है, या बिजनेस खराब है या जॉब बहुत अच्छी है, मैं उस सब पे डिबेट में नहीं जा रहा हूं। बट हम यहां पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं एक इनकम जनरेशन की, तो जो मेरी इनकम है, पहला, क्या मैं उस इनकम में अपना पूरा स्केड्यूल कर पा रहा हूं, पूरा स्केड्यूल हो रहा है, मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक्स इनकम है, मैं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं 1,00,000 रुपए कमाता हूं, अगर मैं 1,00,000 रुपए कमाता हूं, क्या मैंने उसका प्रॉपर बैलेंस आउट किया हुआ है कि कितना पैसा कहां जाना है, क्या होना है, कहां होना है? आज के टाइम में क्या होता है, हमारी इनकम होती है एक्स, हमारी इनकम होती है एक्स, और उसके बाद जब हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, ईएमआई पर चीजें ले लेते हैं, एक्स से ज्यादा हमारी ईएमआई जारी होती है। जब हमारी मनी जब सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है, क्या पैसा जब हमारे पास आता है, वो आता नहीं बाद में, पहले हमें पता होता है उसको जाना कहां है। ये रिलेशनशिप है आपका, बाय द वे ये आपका रिलेशनशिप है पैसे के साथ, कि आपका पैसा आपके पास रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने पहले ही प्लानिंग कर लिया, आपका ग्रोथ होने वाला है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको लाइफ में अप्रेजल मिलने वाला है और आपको पता है आपके 5,000-10,000 रुपए सैलरी बढ़ने वाली है, आप ये नहीं सोचोगे कि यार बहुत अच्छी चीज है चलो मजा आ जाएगा, आप ये सोचोगे इस 10,000 का करना क्या है, अब ये कहां से खर्चोगे। हम उसकी प्लानिंग पहले से कर लेते हैं और वो जो प्लानिंग होती है वहीं पर सब कुछ खराब हो जाता है। तो सबसे पहले प्रॉपर इनकम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग रिच लोग होते हैं उनको एक चीज का बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि उनको अपनी जो मनी है, पैसा जो है, उसको कैसे मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको पूरी क्लैरिटी है कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। याद रहे कि मनी मैनेजमेंट वो लोग नहीं करते जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, मनी मैनेजमेंट हर कोई कर सकता है। अगर आपकी सैलरी 5,000 रुपए भी है, 1,000 रुपए भी है, 20,000 रुपए या 10,00,000 रुपए, मनी मैनेजमेंट तो हर जगह करना पड़ेगा ना आपको। ऐसा तो बहुत सारे लोग होते हैं यार मेरे पास जब बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसको मैनेज करूंगा, यानी कि अगर आप वो एक थॉट प्रोसेस बोलते हैं, अगर आज आप एक छोटे पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे
तो क्या आप एक बड़े पैसे को मैनेज कभी भी कर पाओगे? आंसर इज नो, कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें आज ये बात पता है और पैसे को ये बात पता है कि यार ये इससे 10,000 रुपए तो संभालते नहीं है, ये मुझे संभाल तो रहा नहीं, मैं इसको 10,00,000 रुपए कैसे दे दूं? और ये ऐसे ही काम करता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो हैंडल योर इनकम वेल, मैनेज इट वेल। उसको आने से पहले उसके जाने की प्लानिंग मत करो, और वो प्लानिंग आपका लाइफ का स्केड्यूल अगर बन चुका है, स्टार्ट करेक्टिंग इट, स्टार्ट करेक्टिंग। ये हमारी प्रोग्रामिंग है, ये मैं वही बात कर रहा हूं, ये हमारा ये दिमाग का लोचा है, ये इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है, जब जो हमारी इनकम होती है उस इनकम में से कितना पोर्शन ऑफ मनी जो हम टच नहीं करते हैं, टच नहीं करते हैं। आप कितनी बड़ी बड़ी भी आप यू नो फाइनेंशियल्स मनी पर बुक्स पढ़ लीजिए, कितनी बड़ी यू नो यू रीड अबाउट यू नो richest पर्सन इन बेबीलोन, यू नो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, यू टॉक टू एनी बडी एनी रिच पीपल और यू टॉक अबाउट देयर बायोग्राफीज, और आप किसी भी बड़ी किताब के बारे में आप बात करें, हर कोई एक ही बात बोलता है आपको, बार बार सिर्फ एक बात बोल रहा है आपको, हर बार एक बात बोल रहा है। और वो बात पता है क्या है? वो बात है कि जितना भी आप इनकम जनरेट करते हो उस इनकम का 10% आपको कहीं ना कहीं सेव करना चाहिए, उस पैसे को आपको कभी भी टच नहीं करना है। दैट इज नॉट अ इमरजेंसी फंड, वो पैसा आप कभी भी छुओगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। ये 10% आपने आपने जो 10% आप किताबें पढ़िए, आप समझेंगे कि ये 10% को कॉन्सेप्ट को हर कोई बड़ा आदमी ये बोलता है, लेकिन जो हमारा जब माइंड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, हम ये सोचते हैं कि यार अभी तो मेरे पास पैसे कम है, अभी तो मैं कैसे मैनेज करूं। ये बिल्कुल पता है कैसा है, ये बिल्कुल वैसा है एक 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 इंसान जिसका वेट बहुत ज्यादा है, जो 200 किलो का है या 100 किलो का है, और वो ये बोलता है कि जब मेरा 10 किलो वेट कम हो जाएगा ना, जब मैं 90 किलो का हो जाऊंगा, उस दिन के बाद मैं डाइट फॉलो करना शुरू करूंगा। ये सेम है, आज अगर आपकी इनकम 5,000 रुपए या 10,000 रुपए है, अगर आज आप 10% इस बुक से, 10% आप इस नॉलेज से, 10% आप उस इनकम से नहीं निकाल पा रहे हो, तो जब आप 10,000 की जगह 10,00,000 कमाओगे, आप तब भी नहीं निकाल पाओगे। ये एक ऐसा स्टेप है जो आज से ही शुरू करना पड़ेगा, आज से ही शुरू होगा वो। उसके बाद जो हमारी थर्ड चीज आती है इसमें, वो आती है हमारा द फर्स्ट इज इनकम, देन हमने जो बात की है इट रिवॉल्व्स अराउंड सेविंग, देन उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट। ये जो 10% हम कर रहे हैं ना, जो 10% हम जो हमने इनकम जनरेट किया है, इसको इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं, एंड यू कैन पुट इट एनीवेयर, यू कैन पुट इन FD, आप FD में डाल सकते हो। मैं यहाँ पर ये बात नहीं करने वाला हूँ कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन्वेस्टमेंट या कौन सा कम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की। वो पैसा आपका वहाँ ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर आपका पैसा सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड फंड होना चाहिए। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, आपका पैसा वो सिक्योर होना चाहिए। और वहां आप उस पैसे को 10% पैसे को आप वहां डालोगे और आप भूल जाओगे उस पैसे को आप कभी याद नहीं करोगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इस साइकिल से ये सब चलेगा, तो सारी चीजें और भी आसान हो सकती हैं। अनदर थिंग इज सिंप्लीफिकेशन। इसका मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन मीन्स कि मेरा जो इनकम है, जो भी आ रहा है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ना कंसिस्टेंटली जो मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं मेरे को उन एक्सपेंडिचर्स को ना कट करना है थोड़ा, मेरे को उस एक्सपेंडिचर्स को अपनी लाइफस्टाइल के साथ कट करना है, सेविंग्स को बढ़ाना है। जब सेविंग्स बढ़ेंगी उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी तो जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय डिफॉल्ट आई विल बी मोर रिच, आई विल हैव मोर मनी, मेरे पास पैसा शायद ज्यादा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इनकम, देन सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट, और उसको सिंप्लीफाई करना, और इस अपने जो आपका जो ये पूरा का पूरा जो पाइपलाइन बिल्ड हो रहा है, जो आप ये सिचुएशन बिल्ड कर रहे हो, जो आप अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्ड कर रहे हो, ये आपको ना लॉन्ग टर्म में, नॉट लॉन्ग टर्म इज वेरी लॉन्ग टर्म, इन 10 ईयर फ्रॉम नाउ आप अपने आप को एक ऐसी जगह पाओगे कि
आप कहोगे कि यार एक छोटा सा कदम, सिर्फ 10% बचाना शुरू किया था, आज लाइफ में ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि आज मुझे अगर कोई बोले कि आज कुछ करोड़ में हमें कुछ डील करनी है, तो शायद आप बहुत बार सोचोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं यार मैंने प्लानिंग की है, मैंने प्रॉपर प्लानिंग से काम किया है। ठीक है, पैसा सेव करके रखना नहीं अकाउंट में, रिमेंबर दिस, पैसा सेव करके अकाउंट में पड़े रहने देना इज अ मीडियोकर माइंडसेट, ये वही माइंडसेट है जो शायद नहीं चाहिए और हमें इसी से बाहर निकलना पड़ेगा। यू नो ये हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हम इन सब चीजों को समझेंगे और यू नो और इसको सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे गाइस, क्योंकि जो जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो रिच लोग हैं वो कंसिस्टेंटली यही बात कर रहे हैं, वो आगे बढ़कर यही बोल रहे हैं कि यार सीखो, समझो, अपनी जो स्किल सेट है उसको शार्प करते रहो। हम अपनी अगर स्किल सेट को शार्प नहीं करते रहेंगे तो मुश्किल तो होनी है। किताबें पढ़ते रहो, आपने सुना होगा कि हर कोई बोलता है यार कीप रीडिंग अराउंड 10 pages ऑफ अ बुक, आप एक 10 पेज एक बुक के पढ़ते रहो अपने पास बार 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 बार, आपको वहां से समझ में आना शुरू होगा कि अल्टीमेटली आई थिंक इट इज मोर अबाउट, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हम सब लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ये ऐसे नहीं आ जाते, ये सब चीजें हम एक्सपीरियंस से ही सीख रहे हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस से ही सीखा है, और एक्सपीरियंस मेरे खुद के नहीं, पहले मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत सारे लोगों को देखकर, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने क्या किया, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट भी की, लेकिन बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं की, लेकिन मुझे वहां पर कंसिस्टेंटली समझ में आता रहा कि नहीं, खुद पर काम करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी थॉट है, जिस तरह से मैं सोचता हूं, वही मेरी फीलिंग जनरेट करता है, और जो मेरी फीलिंग जनरेट कर रहा है, जैसी मेरी फीलिंग होंगी, अगर मेरी अच्छी फीलिंग तो मेरे एक्शन अच्छे होंगे, मेरी अगर खराब फीलिंग है तो मेरे खराब एक्शन होंगे, और जो एक्शन होगा वही रिजल्ट देता है। तो ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट तो होना है, अच्छी फीलिंग के साथ भी हो सकता है, अच्छी थिंकिंग के साथ भी हो सकता है, और बुरी थिंकिंग के साथ भी हो सकता है, बट अगर मैं बुरी थिंकिंग के साथ इसको खराब कर रहा हूं ना गाइज, तो हमें ये बात पता है कि सिर्फ मेरी सिचुएशन फाइनेंशियली खराब नहीं है, मेरे आने वाली जो मेरी आने वाली जनरेशन है या जो आ चुकी जनरेशन है, वो उस जनरेशन तक कोई खराब करेगा, क्योंकि मैं उसको वही लर्निंग देने वाला हूं, मैं उसको वही सिखाने वाला हूं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो अलग तरीके से काम करते हैं। सक्सेसफुल लोग सिर्फ हम सब लोग सीक्रेट में बिलीव करते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने सीक्रेट की वीडियो देखी होगी, सब कुछ बहुत सारे लोगों ने बात की होगी, सीक्रेट की वीडियो, अट्रैक्ट करो, सिर्फ आपको लगता है सिर्फ अट्रैक्ट करना काफी है, सिर्फ अट्रैक्ट करना इज थिंकिंग एंड फीलिंग। सीक्रेट क्या है? थिंकिंग एंड फीलिंग। लेकिन थिंकिंग, फीलिंग और रिसीविंग के बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन। हम सब लोग थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक्शन मिस है बीच से, तो रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा। और बहुत सारे लोग इसीलिए शायद बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, सीक्रेट काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड कुछ जैसा कुछ नहीं होता, हम ये सब सोचने लगते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस, अगर सीक्रेट को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए एक्शंस पर। हमारा फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ के एक्शन किस तरीके से ले रहा हूं। अगर मैं एक्शंस नहीं लूंगा, सीक्रेट क्या, कुछ भी लाइफ का कुछ भी, हम जिंदगी में एक पत्ता तक नहीं हिला सकते, क्योंकि हम सही चीज नहीं प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। प्रोसेस पूरा ही फॉलो कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो होना ही होना है, अब उसको सही से करना है या गलत से करना है, ये हमारी चॉइस है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि माइंड कितना पावरफुल है, और जो हमारा ब्लूप्रिंटिंग है, जो हम पैसे के बारे में जो हम सोचते हैं, वो कितना ज्यादा डिसाइड करता है कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारी मॉनेटरी, हमारे अकाउंट का बैंक बैलेंस, मेरी फैमिली सिचुएशन, कितना ज्यादा उसी पर डिपेंड होती है। तो जो आज हमने पॉइंटर्स बात की है, इन पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करके आप बहुत हद तक, मैं आपको बता सकता हूं, ऐसा नहीं है, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, ये रातों रात नहीं होगा, बट आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको केयरफुल होके अपनी सोचकर सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज से सोचकर सोचना है आप क्या मैसेज अपने माइंड को दे रहे हो। अगर आपका मैसेज जो है माइंड को, अगर वो सही जाएगा, तो चीजें उतनी आसान हो जाएंगी।